हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने सामने और एक प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ जिसे मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करूँगा। और ये है वो प्रोडक्ट, ये है HJG का फॉग लाइट जिसे मैं अपने बाइक पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखी थी, मैंने बाइक के हेडलाइट पर एक फिल्म कलर फिल्म चढ़ाई थी, उसके बाद मैंने उस पर R6 का मास्क चढ़ाया था, जिसकी वजह से मेरी बाइक की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आने लगा कि मेरे बाइक की जो रोड लाइट की प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और मुझे नाइट में ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस लाइट को परचेज किया है। मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की फॉग लाइट है, और इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। ये प्रोजेक्टर फॉग लाइट है। मैंने प्रोजेक्टर फॉग लाइट इसीलिए लिया क्योंकि इसका जो बीम है वो एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करता है, जिसकी वजह से हमें रात में ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इस फॉग लाइट की ये खासियत है कि ये इसकी आप फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इससे आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसका जो फोकस है वो पूरा छोटा हो जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह पर ही फोकस करेगा। इसके साथ हमें ये केबल मिलता है, ये कपलर टू कपलर कनेक्ट होना केबल है, और ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ होता है, जिसमें जो कि एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। और इसके साथ ही हमें ये येलो ग्लास कवर मिलता है, अगर कभी हमें ठंड के मौसम पे अगर हम चाहें जिसमें ज़्यादा ही फॉग है उसमें हम इसे लगा के इसलिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये छोटा सा क्लेम मिलता है जिसकी हेल्प से हमें इसे बाइक के किसी भी जगह पे, चाहे वो उसके लेग गार्ड हो या कहीं भी हो, हम इसलिए इसे अटैच कर सकें। और साथ में हमें ये छोटा सा एलंकी मिलता है ताकि हमें इस बोल्ट को हम इस पर आसानी से कस सकें। मैंने इस तरह की दो फॉग लाइट मंगाई है। ये फॉग लाइट मैंने एक सप्ताह पहले मंगाया था और इसे मैं पिछले एक वीक से यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से मैंने इसे और एक फॉग लाइट मंगाया। अब ये दो फॉग लाइट को मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करूँगा, जिसे मुझे रात में ड्राइव करने में ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों फॉग लाइट देखने में सेम है, बस में थोड़ी सी अलग है। तो इसमें क्या क्या आप एडजस्ट पीछे कर सकते हो, लेकिन इसको यहाँ होल्ड नहीं कर सकते। जो ये जो फॉग लाइट है इसमें आप पीछे एडजस्ट करने के साथ ही आप इसे लॉक दिया हुआ, ताकि आप लॉक करके इसे उस जगह पर रोक दो, और लॉक होने के बाद ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इसके अलावा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का लाइट फोकस सेम ही है। ये जो फॉग लाइट है ये काफी ज्यादा हेवी है, ये अराउंड 1/2 kg के आसपास है। ये इस प्रोडक्ट पे भी कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है, ये HJG यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ जो है KZ30। दोनों ही मॉडल सेम है, दोनों ही KZ30 है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ही डार्क है। मैं अभी यहाँ पे एक एक करके आपको वो लाइट जला के दिखाऊंगा। पहले मैं सिंगल लाइट जलाता हूँ और देखिए लाइट आपको दूर तक अच्छा विजुअलिटी दिख रहा है, और आप इसका फोकस देखिए जो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा इसके घुमा के दिखाता हूँ, देखिए जिस जगह पे जा रहा है वहाँ का फोकस देखिए आप। ये अभी सिंगल जल रहा है, और मैं अभी इसे और एक को जलाता हूँ। देखिए गाइस, अभी ये दोनों एक साथ जल रहा है। तो सोचिए आप, अरे इस लाइट पे अगर आप रात में बाइक चलाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा ही इजी होगा नाइट में ड्राइव करते हुए। गाइस, अभी मैंने दोनों फॉग लाइट को कनेक्ट करके रखा, अब मैं इसका जो लेंस को एडजस्ट करता हूँ। जैसे इसे मैं पीछे की तरफ खींचूँगा ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर ये पड़ रहा हो काफ़ी ज़्यादा ही क्लियर उस जगह पे दिख रहा है।
आप इन दोनों का फोकस एडजस्ट करता हूँ। आप फोकस देख सकते हैं, ये काफी दूर तक इसका रोशनी जा रहा है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे 1700 रुपये पर पीस पड़ा है और इसे मैंने एक्सट्रीम डॉट इन से मंगाया है। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। आई होप आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया है। अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो मैं वीडियो को लाइक करें, माय चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा।